नमस्कार दोस्तों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर DAVV इंदौर ने एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। तो इसमें आपका जो भी कॉलेज है उससे संबंधित कॉलेज का क्या एग्ज़ाम सेंटर होगा आप चेक कर सकते हैं। इसमें सर्व संबंधितों के सूचनार्थ यथित यह अधिसूचित किया जाता है कि जिन MCOM द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर नियमित भूतपूर्व असंस्थागत ATKT परीक्षार्थियों का सेमेस्टर परीक्षा जून 2022 में सम्मिलित होने हेतु आवेदन किए हैं, तो उसमें महाविद्यालयों में आवेदन जमा किए हैं उन्हें परीक्षा केंद्र प्रत्येक महाविद्यालय में दर्शाए गए हैं। सभी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र उन्हीं महाविद्यालयों से प्राप्त करेंगे जहां पर उन्होंने उनके परीक्षा आवेदन पत्र जमा किए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको एडमिट कार्ड भी वहीं से मिलेगा। ठीक है, सभी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र उन्हीं महाविद्यालयों से प्राप्त करेंगे जहां पर उन्होंने उनके परीक्षा आवेदन पत्र जमा किए हैं। तो इसके लिए ये सेंटर की लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा, रेगुलर, प्राइवेट और एक्स ATKT परीक्षार्थियों के लिए। और इसमें देखिए उन महाविद्यालयों के नाम जहां पर परीक्षार्थी ने परीक्षा आवेदन पत्र जमा किए हैं, परीक्षा कक्ष द्वितीय तथा एवं चतुर्थ सेमेस्टर जो कक्षा है वो होगी MCOM की परीक्षा और आवंटित परीक्षा केंद्र का नाम। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं जो कॉलेज हैं उनका नाम है, कोर्स MCOM का है, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, परीक्षा केंद्र यानी एग्ज़ाम सेंटर जो है इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं पहले कॉलेज का नाम है जहाँ पर आपने फॉर्म जमा किया और लास्ट में जो है आपके कॉलेज का सेंटर है। तो इन सेंटरों में आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो इस तरह से ये लिस्ट है, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका कॉलेज है कहाँ सेंटर रहेगा इस संबंध में पूरा आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और MCOM सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए है, रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए है और हर ज़िले का है। ठीक है, जितने भी कॉलेज आते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत उन सभी कॉलेजों की इसमें लिस्ट है और जो उनके सेंटर बनाए गए हैं उनकी भी लिस्ट है। तो आप अपना कॉलेज चेक कर सकते हैं और अपना सेंटर चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, और ये सेंटर है एग्ज़ाम सेंटर जिन नियमित ATKT परीक्षार्थियों ने MHSC द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा माह जून 2022 में सम्मिलित होने हेतु महाविद्यालयों में परीक्षा आवेदन पत्र जमा किए हैं। ठीक है, तो उनके लिए है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉलेज का नाम है और परीक्षा है और आवंटित परीक्षा केंद्र का नाम और कोर्स है, ध्यान दीजिएगा, ये है MHSC मास्टर ऑफ होम साइंस MHSC और सेमेस्टर ध्यान दीजिएगा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर जिनके लिए परीक्षा होनी है जून 2022 के लिए। तो ये डिटेल है MHSC सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए, कॉलेज का नाम है और सेंटर का नाम है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, और ये एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है जिसमें सर्व संबंधितों के सूचनार्थ एतद या द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि MA समस्त विषय ऑल सब्जेक्ट नियमित स्वाध्यायी ATKT द्वितीय सेमेस्टर जून 2022 के परीक्षा में परीक्षार्थियों द्वारा सम्मिलित होने वाले महाविद्यालयों में परीक्षा आवेदन पत्र जमा किए हैं उनके परीक्षा केंद्र सभी महाविद्यालय सभी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र उन्हीं महाविद्यालयों से प्राप्त करेंगे जहां पर उन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र जमा किए हैं। तो इस तरह से ये MA के समस्त विषयों के लिए है, MA ऑल सब्जेक्ट रेगुलर प्राइवेट ATKT स्टूडेंट, सेमेस्टर है सेकंड सेमेस्टर जून 2022 की परीक्षा के लिए। और यहां पर आप देख सकते हैं कॉलेज का नाम जहां पर परीक्षार्थी ने परीक्षा आवेदन पत्र जमा किए हैं, कक्षा देख सकते हैं इसमें जो मैंने आपको बताया सभी विषयों के नियमित ATKT भूतपूर्व द्वितीय सेमेस्टर के और उसके बाद लास्ट में परीक्षा केंद्र का नाम है। तो इस तरह से आप इस लिस्ट में आपका कॉलेज चेक कर सकते हैं या आपने जहां पे फॉर्म जमा किया था
और उसका सेंटर कहाँ पर होगा उसकी इसमें लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप लिस्ट भी चेक कर सकते हैं जिसमें कॉलेज का नाम भी है और एग्ज़ाम सेंटर का भी नाम है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं प्राइवेट ATKT छात्रों के, और सब्जेक्ट भी है केवल स्वाध्यायी छात्रों के लिए भी कुछ है। तो इस तरह से जो भी कॉलेज है और सेंटर है उसकी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से इतने कॉलेजेस हैं और इनमें इस प्रकार से ये सेंटर है, और आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट इस संबंध में। जी, और ये एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट है MA समस्त विषय यानी MA ऑल सब्जेक्ट नियमित रेगुलर स्वाध्यायी प्राइवेट ATKT स्टूडेंटों के लिए जिनका सेमेस्टर है फोर्थ सेमेस्टर और परीक्षा होगी जून 2022 के लिए, और उनके लिए ये एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है और पूरी डिटेल है। तो आप देख सकते हैं कॉलेज जहाँ पर आपने फॉर्म जमा किया है और कक्षा क्या है, आवंटित परीक्षा केंद्र का नाम, कौन सा एग्ज़ाम सेंटर होगा, कौन से कॉलेज में आपने फॉर्म जमा किए हैं, प्राइवेट और रेगुलर दोनों स्टूडेंटों के लिए है। डिटेल तो आप चेक कर सकते हैं किस कॉलेज में आपने फॉर्म जमा किया है और उस कॉलेज का सेंटर किस कॉलेज में रहेगा। तो इस तरह से पूरा ये डिटेल है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। और इसके बाद नियमित स्वाध्यायी दोनों स्टूडेंटों के लिए खरगोन, खंडवा, इस तरह से जितने भी बाकी शहर या ज़िले हैं उनके अकॉर्डिंग भी इसमें जो लिस्ट है तो आप बिल्कुल इसमें चेक कर सकते हैं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, और ये लिस्ट है एग्ज़ाम सेंटर की जिनका कोर्स है मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW चतुर्थ सेमेस्टर नया पाठ्यक्रम नियमित ATKT परीक्षा जून 2022 के लिए, और ये सभी स्टूडेंट जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हैं उनकी ये पूरी लिस्ट इस तरह से है, और आप इसमें देख सकते हैं कोर्स ध्यान रखिएगा MSW फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर ATKT स्टूडेंटों के लिए, और इस प्रकार से कॉलेज का नाम है और कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा उनका भी डिटेल है। तो इस तरह से आप इसमें कॉलेज और एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल्स जो हैं चेक कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।